तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, आप सब लोगों का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के ऐसे 10 फैक्ट्स की जो कि आपको भी नहीं पता। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबाइए और जो घंटा है उसे फोड़ दीजिए ताकि हमारी न्यू से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर आए। फैक्ट नंबर वन। तो गाइस, आप सबको तो पता ही होगा कि कोका कोला लोगों में सबसे ज्यादा पसंद करने वाला ड्रिंक है और इसकी एक सिप ही लेके हमको बहुत ज़्यादा पीने का मन करता है। और अगर आप बाहर के कोई देश गए हो तो आपने कभी ना कभी सुपरमार्केट में कोका कोला पड़ी हुई देखी ही होगी। पर क्या आपको ये पता है कि हमारी इस दुनिया में दो ऐसे देश भी है जहाँ पे कोका कोला बिल्कुल भी बिकती नहीं। तो आपके मन में ये तो आ ही रहा होगा कि ये कौन से वो दो देश है जहाँ पे कोका कोला बिल्कुल भी नहीं बिकती। तो इन देशों का नाम है नॉर्थ कोरिया और क्यूबा। ये दो ही दुनिया के ऐसे देश है जहाँ पे कोका कोला ना के बराबर बिकती है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने फैक्ट नंबर टू पे। फैक्ट नंबर टू। तो गाइस, क्या आपको पता है कि हमारी अर्थ पर ह्यूमंस की कितनी पॉपुलेशन है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि हमारी अर्थ में 7.5 बिलियन ह्यूमन की पॉपुलेशन है और ये पॉपुलेशन यूनाइटेड स्टेट के एक शहर में ही समा सकती है। और ये शहर इतना बड़ा भी नहीं है, ये शहर है यूनाइटेड स्टेट्स का लॉस एंजलस शहर। और ये शहर एरिया में भी बहुत छोटा है। इसका एरिया है 1300 किलोमीटर, जिसमें से अकेले 1200 किलोमीटर में ही हमारी पूरी अर्थ की पॉपुलेशन समा सकती है, जो कि बहुत ही बड़ा फैक्ट है। वाओ, नॉट इट अमेजिंग फैक्ट। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने फैक्ट नंबर थ्री पे। फैक्ट नंबर थ्री। क्या आप सब लोगों को पता है कि इस प्लैनेट का सबसे क्वाइटेस्ट रूम कौन सा है? तो इसका जवाब है माइक्रोसॉफ्ट वॉशिंगटन डीसी के हेडक्वार्टर्स में एक जो रूम है वो दुनिया का सबसे क्वाइटेस्ट रूम माना जाता है। और आप जब भी इस रूम के अंदर जाएंगे तो आपको एक ऐसी सेंसेशन फील होगी कि आप मर चुके हैं, क्योंकि इस रूम की बनावट ही ऐसी है कि इस रूम में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती और जो आवाज़ आती है वो भी -20.35 डेसिबल में आती है। और आप सब लोगों को पता ही है माइनस डेसिबल्स माने ही नहीं जाते और जो माइनस डेसिबल होते भी है वो जीरो के बराबर ही होते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने फैक्ट नंबर फोर पर। फैक्ट नंबर फोर। तो गाइस, क्या आप सब लोगों को पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा वर्ड कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा वर्ड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो है। तो गाइस, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये क्या भला है। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दिया जाए कि ये ऑस्ट्रेलिया का एक हिल है, उसका नाम है, और ये पूरे के पूरे 85 लेटर से बना है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम बढ़ते हैं अपने फैक्ट नंबर फाइव पे। फैक्ट नंबर फाइव। तो गाइस, फैक्ट नंबर फाइव ये है कि हम सब लोग धरती की ओजोन लेयर को मिलकर खराब कर चुके हैं और ये ओजोन लेयर हमको सन की अल्ट्रा वायलेट रे से बचाती है, पर हम सब लोगों ने मिलकर इसको बिल्कुल ही बर्बाद कर चुके हैं। और ये फैक्ट में हम ये बताएंगे कि हमारी धरती की ओजोन लेयर को ठीक होने में कितना टाइम लगेगा। तो आपकी नॉलेज के लिए ये बता दिया जाए कि हमारी धरती की ओजोन लेयर को ठीक होने के लिए कम से कम 50 साल से भी ज़्यादा लग सकते हैं। तो गाइस, इतने साल तो लगेंगे ही क्योंकि हम इसको इतना जो खराब कर चुके हैं। तो चलिए गाइस, अब हम बढ़ते हैं अपने फैक्ट नंबर सिक्स पे। फैक्ट नंबर सिक्स। तो गाइस, जो चींटियां आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और जो हमें काटती भी है, उनका वेट पूरी दुनिया के इंसानों को मिलाकर भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी इंसानों की पॉपुलेशन 8 बिलियन है और जो चींटियों की पॉपुलेशन है वो 10 क्वाड्रिलियन है। इसका मतलब है कि एक के आगे अगर हम 16 जीरो लगाएंगे तब जाकर इनकी संख्या बनेगी। तो इसलिए चींटियों का वेट हम सारे दुनिया के इंसानों से मिलाकर कहीं ज़्यादा है। तो चलिए गाइस, अब हम बढ़ते हैं अपने फैक्ट नंबर सेवन पे। फैक्ट नंबर सेवन। तो गाइस, क्या आपको पता है कि एक सेकंड में कितनी मौतें होती हैं? तो गाइस, एक सेकंड में 2 मौतें होती हैं और एक मिनट में 105 मौतें होती हैं और एक घंटे में 6300 मौतें होती हैं और एक दिन में 1,50,000 से भी ज़्यादा मौतें होती हैं। तो गाइस, क्या आपको पता है कि एक साल में कितनी होती है? तो गाइस, एक साल में कम से कम 55.3 मिलियन से भी ज़्यादा लोग मर जाते हैं। तो गाइस, चलिए अब हम चलते हैं अपने फैक्ट नंबर एट पे। फैक्ट नंबर एट। तो गाइस, कभी ना कभी आपने जिराफ की जीभ तो देखी ही होगी,
तो आपके मन में कभी ना कभी ये तो आया ही होगा कि ये जिराफ की जीभ कितनी बड़ी होती है। तो आपकी नॉलेज के लिए ये बता दिया जाए कि ये जिराफ की जीभ कम से कम 2 फुट से भी ज़्यादा बड़ी हो सकती है, और ये इसको पेड़ की ऊपर वाली टहनियों से पत्ते खाने में भी मदद करती है और इसको चबाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो गाइस अब हम चलते हैं अपने फैक्ट नंबर 9 पे। फैक्ट नंबर 9, तो गाइस जो शार्क आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको कहते हैं ग्रीनलैंड शार्क। तो गाइस जैसे हम ह्यूमन 18 साल के बाद मैच्योर होते हैं, तो दूसरी तरफ ये शार्क 150 साल के बाद मैच्योर होती है। तो गाइस आपके मन में ये बात तो आ रही होगी कि ये शार्क कितने साल जीती है, तो आपको ये बता दिया जाए कि ये शार्क 400 से भी ज़्यादा साल जीती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा लाइफ स्पैन होता है। तो चलिए गाइस अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट और सबसे अच्छे फैक्ट पे, फैक्ट नंबर 10 पे। तो गाइस आज की वीडियो का सबसे ऑसम फैक्ट ये है, ये जो आपको ब्लैक कलर का शेप दिख रहा है ये रियलिटी में भी होता है, और ये तिब्बत जैसे इलाकों में बहुत ही रेयर पाया जाता है, और ये एप्पल हुआ न्यू फैमिली की ब्रीड से है, और इस ब्लैक सेब को चाइना में चाइनीज रेड डिलीशियस भी कहा जाता है, और इसको ब्लैक डायमंड एप्पल से भी बुलाया जाता है। इस एप्पल में और बहुत सारे विटामिन मिनरल्स वगैरह दूसरे एप्पल से ज़्यादा पाए जाते हैं। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटा है उसे फोड़ दीजिए ताकि हमारी न्यू से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर आए।